नेक्स्ट मछली है काइमेरा, यानी कि इसको अपन बोलते हैं रेड फिश, चूहा मछली, और इन्हें किंग ऑफ हेरिंग्स के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि ये जो फिशेज हैं वो क्या होती है, गोस्ट फिश, यानी कि भूत मछली है। नेक्स्ट फिश है लास्ट, वो है कारकेरेडोन, यानी कि जो ग्रेट वाइट शार्क है उसको कारकेरेडोन कहते हैं। तो इस प्रकार से जो कॉन्ट्रैक्टिव क्लास है उसमें पाए जाने वाले जो फिशेज हैं उनके एग्जाम्पल्स हमने यहाँ पर डिस्कस किए। अब बात करेंगे इसकी थर्ड जो क्लास है, ठीक है, ऑस्टियोथीज, उसके बारे में। देखिए सुपर क्लास स्पीसीज की जो तीसरी क्लास है, थर्ड क्लास, वो ऑस्टियोथीज की है। ठीक है, इनमें उन फिशेज को शामिल किया गया है जिनमें जो एंडोस्केलेटन होता है वो बोन्स का बना होता है। डिफरेंट है तीनों में ही, याद रखना, बोनी फिश आते हैं इसमें, क्योंकि इनमें एंडोस्केलेटन किसका होता है, बोन्स का बना होता है। तो इस प्रकार से यहाँ पे तीन क्लासेज हैं। पहली क्लास है प्लेकोडर्माई, इसमें वास्तविक फिश आती हैं जो कि प्रथम जलीय मछली हैं, और इनमें बॉडी के ऊपर एक कवर्ड पाया जाता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, आर्मोरेड फिशेज के नाम से भी जानते हैं। दूसरी जो क्लास है वो कॉन्ड्रोक्थीज की है, इसमें जो क्या होता है, एंडोस्केलेटन जो होता है वो कार्टिलेज का बना होता है, इसलिए इन फिश को क्या बोलते हैं, कार्टिलेजिनियन फिश बोलते हैं। तीसरी जो क्लास है वो ऑस्टियोथीज क्लास है, क्योंकि इन क्लासेज में ऐसी फिशेज को शामिल किया गया है जिनका एंडोस्केलेटन बोन्स का बना होता है, इसलिए इनको बोनी फिश के नाम से भी जानते हैं। अब इनके जनरल बेसिक करेक्टर जो है उनको डिस्कस करते हैं। पहला, इन्हें बोनी फिश कहते हैं, ठीक है, जो सिंपल है। दूसरा, एंडोस्केलेटन जो होता है इनका, पता होगा आपको किसका बना होता है भाई, बोन्स का बना होता है। तीसरा, एक्सोस्केलेटन जो होता है इसका, बोला तो उसमें तीन प्रकार के सेल प्रेजेंट होंगे, साइक्लॉइड, स्कल्स, दूसरा टीनोइड स्कल्स, और लास्ट और तीसरा है वो गोनोइड सेल्स होता है। इसमें एक चीज़ इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें प्लेकोइड सेल क्या होता है, एब्सेंट होता है, प्लेकोइड स्कल्स। इसको छोड़कर बाकी के जो स्कल्स बच गए वो तीनों के होते इसमें प्रेजेंट होते हैं। देखिए इनमें गिल्स क्या होते हैं, चार जोड़ी होते हैं, ठीक है, जबकि उसमें क्या थे, पांच से सात जोड़ी गिल्स के थे, और वे गिल्स स्लिट के द्वारा बाहर खुलते थे, लेकिन ये क्या होते हैं, कवर्ड होते हैं, बाहर नहीं खुलते हैं। और कवर्ड किससे होते हैं, ये ऑपरकुलम संरचना के होते हैं, कवर्ड होते हैं। देखिए ऑपरकुलम संरचना हम जो इन्वर्टिब्रेट्स एनिमल था जो कि पाइला था उसमें हमने डिस्कस किया था, ऑपरकुलम, यानी कि ऑपरकुलम के द्वारा उनके जो पैर थे, मसल्स, फुट जो थे वो बाहर निकलते थे, जिससे वो पाइला क्या करता था, गमन करता था। यहाँ पर ऑपरकुलम क्या है, यहाँ पर ऑपरकुलम एक कवर का काम करता है, जिसमें क्या होते हैं, जो इनके चार पैर गिल्स होते हैं वो क्या होते हैं, ढके होते हैं। नेक्स्ट, देखिए इन एनिमल्स में एयर ब्लैडर क्या हो रहे हैं, प्रेजेंट हो रहे हैं वाता से जो है, जबकि पिछले जो क्लास थे उसमें एयर ब्लैडर क्या थे, एब्सेंट थे, इनमें क्या होंगे, प्रेजेंट। काम क्या करेंगे, देखिए मोस्टली जो काम करते हैं वो तो बॉडी का संतुलन बनाए रखते हैं, ठीक है, जल का संतुलन और बॉडी का संतुलन, और ये गमन में क्या होते हैं, सहायक होते हैं, साथ इसमें ये श्वसन में भी हेल्प करते हैं। देखिए इसमें एम्पुला ऑफ लॉरेंज क्या होता है, एब्सेंट होता है, एम्पुला ऑफ लॉरेंज, और इसलिए क्या होती है, थर्मोसेप्टर नहीं होती है। अगर एम्पुला ऑफ लॉरेंज प्रेजेंट होता तो ये कैसे होती, थर्मोरिसेप्टर फिश होती है, लेकिन इसमें क्या है, एम्पुला ऑफ लॉरेंज एब्सेंट है, तो इसलिए ये थर्मोरिसेप्टर भी नहीं है, ठीक है। देखिए इनमें जो फर्टिलाइजेशन है, निषेचन, वो एक्सटर्नल टाइप का होता है, ठीक है, बाह्य प्रकार का, और जबकि पिछली जो क्लास थी हमने उसमें फर्टिलाइजेशन को देखा था तो इंटरनल टाइप का था। और इनके जो मेल थे उनमें नर जनन अंग जो थे वो क्लेस्पर थे, बट यहाँ पे क्लेस्पर क्या होंगे, एब्सेंट होंगे, ठीक है, याद रखना इसको।
नेक्स्ट, इनके जो एनिमल्स होते हैं वो यूनिसेक्सुअल होते हैं। इनके कुछ एनिमल्स ओविपैरस होते हैं, जबकि कुछ कैसे होते हैं, विविपैरस होते हैं। ठीक है, अब इनके हम एग्जांपल की बात करेंगे। देखिए क्लास ऑस्ट्रेकोथीस की जो एग्जांपल है उनकी डिस्कस करते हैं यहाँ पे। तो पहला जो एग्जांपल है वो है भारतीय कॉर्प, यानी कि रोहू मछली, जिसको अपन लेबिया भी बोलते हैं। दूसरा जो एग्जांपल है वो हिप्पोकैम्पस है, यानी कि समुद्री घोड़ा, जिसको सी हॉर्स के नाम से भी जानते हैं। अब यहाँ पे एक नाम इसका और इम्पोर्टेंट है, जो कि आपको पढ़ करके हंसी आ रही होगी, किसी प्रेग्नेंट मेल के नाम से भी जाना जाता है। क्यों? क्योंकि इनकी जो बॉडी होती है, उनके बॉडी के डोर्सल सरफेस के ऊपर एक थैलेनुमा संरचना पाई जाती है, जिसको ब्रूड पाउच बोलते हैं। और ये इस संरचना में क्या करते हैं, जब जल में तैरती है तो उस टाइम ये अंडे को अपने अंदर भर लेती है। ठीक है, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, प्रेग्नेंट मेल बोलते हैं। नेक्स्ट, तीसरा जो एग्जांपल है वो एक्सोसीटस का है, यानी कि फ्लाइंग फिश, उड़ने वाली जो मछली है वो। और ये जो मछली होती है उनमें जो डोर्सल फिन होते हैं वो लंबे पाए जाते हैं, जिसके कारण क्या होती है, ये 400 मीटर तक उड़ान भर सकती है। नेक्स्ट, एमिया, यानी कि धनुष मछली, धनुष मछली बोलते हैं, बो फिश। कटला कटला, ठीक है, जो कि आप छोटे क्लास में खूब मछली के बारे में पढ़ते होंगे, कटला कटला। नेक्स्ट है कैनोसिफेलस, यानी कि आइस फिश। इंपॉर्टेंट है ये फिश, क्यों? क्योंकि इनमें जो हीमोग्लोबिन होता है वो एब्सेंट होता है, और ये पहला ऐसा कोर्डेट एनिमल्स हैं जिनमें हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है। ठीक है, इसलिए कैसे होती है, एकदम वाइट बर्फ के जैसी, आइस फिश नाम से जानी जाती है। नेक्स्ट आता है, इम्पोर्टेंट है डिप्नोई फिश, यानी कि हम इसको यहाँ पे डीपली पढ़ेंगे, डिप्नोई फिश इम्पोर्टेंट है। और जो डिप्नोई फिश है उनको हम लंग फिश के नाम से भी जानते हैं। तो अब हम यहाँ पे एक बार नोट के रूप में इस फिश को अलग से पढ़ लेते हैं, क्योंकि इम्पोर्टेंट है। डिप्नोई फिश, तो यहाँ पे डिप्नोई के बारे में थोड़ा सा बेसिक। यहाँ पे जो डिप्नोई है वो अंकल ऑफ एम्फीबिया, यानी कि ये एम्फीबिया के चाचा है। कैसे हो गए भाई अंकल ऑफ एम्फीबिया? भाई एम्फीबियम क्या होता है, एम्फीबिया में जो एनिमल होते हैं वो जल में भी पाए जाते हैं, जबकि थल में भी पाए जाते हैं। वैसे ही कैरेक्टर ये रखती है, इसलिए ये थोड़ा बड़ा एनिमल है, तो इनको क्या बोलते हैं, अंकल ऑफ एम्फीबियम। इनमें जो श्वसन होता है वो लंग्स के माध्यम से होता है। ठीक है, लंग्स। नेक्स्ट, अगर मैं इनमें फर्टिलाइजेशन की बात करें, फर्टिलाइजेशन तो दोनों ही प्रकार का होगा। ठीक है, एक्सटर्नल टाइप का भी होगा और इंटरनल टाइप का भी पाया जाएगा। नेक्स्ट, इनके टेल की बात करें, इनकी जो पूंछ होती है वो हेटेरो टाइप की होती है। नेक्स्ट, इन पर जो सल्क पाया जाता है वो साइक्लोड प्रकार का सल्क होता है, बाकी क्या होते हैं, सब एब्सेंट होते हैं। तो स्कल कौन सा होता है इसमें, साइक्लोड प्रकार का। ठीक है, नेक्स्ट, इनमें दोनों प्रकार के नोस्ट्रिल प्रेजेंट होते हैं, नोस्ट्रिल प्रेजेंट। तो ये डिप्नोई के बारे में थोड़ा सा बेसिक करेक्टर है। अब इनके एग्जांपल की बात करते हैं। देखिए इनके एग्जांपल्स की बात करें डिप्नोई के, तो तीन प्रकार के एग्जांपल हैं, जो कि मोस्ट एग्जांपल हैं, और ये सभी कंपटीशन क्लासेस में पूछे जाते हैं, और हमारे यहाँ पे भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में एक नंबर का क्वेश्चन बनता है। तो पहला जो इसका एग्जांपल है वो है लेपिडोसायरन, यानी कि ये साउथ अमेरिकन लंग फिश के नाम से जानी जाती है, जो कि अमेरिका में प्रेजेंट है। दूसरा है प्रोटोप्टेरस, ये अफ्रीकन लंग फिश के नाम से जानी जाती है। और थर्ड है मोस्ट इम्पोर्टेंट नियोसेरेटोड्स, और ये है ऑस्ट्रेलिया रीजन में पाई जाने वाली लंग फिश। ठीक है, तो ये तीनों प्रकार के लंग फिश हैं, लेकिन इनमें जो लंग्स होते हैं वो मोस्टली इमरजेंसी स्थिति में यूज लिया जाता है। जैसे कि आप बात करें नियोसेरेटोड्स की, तो इनमें क्या होता है, एकल लंग होता है। ठीक है, जो कि इमरजेंसी में काम लेती है। इसमें अमेरिकन अगर लंग फिश की बात करें तो इसमें एक पेयर होता है, यानी कि एक जोड़ी लंग की होती है। ठीक है, जो कि इमरजेंसी में भी काम लेते हैं। तो इस प्रकार से जो सुपर क्लास स्पीसीज है, हमने उसका क्लासिफिकेशन, उसके जनरल फीचर्स, और साथ ही इनके जो यहाँ पे क्लासेज हैं, पहला प्लेकोडर्मी है, दूसरा कोंडोक्थीज है, तीसरी ऑस्टियोक्थीज है, तीनों ही क्लासों को हमने यहाँ पे डिस्कस किया, साथ इनके जनरल कैरेक्टर को और इनके एग्जांपल्स को।
नेक्स्ट पढ़ेंगे हम सुपर क्लास टेट्रापोडा। स्टूडेंट आशा करता हूँ आज का वीडियो हमारा आपको अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और हमारे बायोलॉजी क्लासेज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आगे के चैप्टर जो हमारे बायोलॉजी क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आएंगे वो आपको तुरंत सबसे पहले प्राप्त हो जाएँ। थैंक यू स्टूडेंट।